हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे दिनेश का। दिनेश, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग वो कर रहे हैं, तो कब शुरू होगा ये प्रदर्शन और क्या कुछ मांग कर रहे हैं छात्र? बिल्कुल, देखिए एसआई भर्ती परीक्षा में दर्जनों जो ये कह सकते हैं कि फर्जी जो एसआई थे वो गिरफ्तार होने के बाद एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग चारों तरफ से उठ रही है। विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठा चुका और उसके बाद सरकार की मंत्री डॉक्टर किरणलाल मीणा भी इस मुद्दे को उठा चुकी फर्जी रद्द करवाने की मांग को लेकर। अब छात्र इससे सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, तमाम छात्र नेता, खासकर एनएसयूआई के छात्र नेता इस मामले को तूल देने में लगे हुए हैं और वो आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ में छात्र नेताओं के साथ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि एसआई की जो भर्ती परीक्षा थी उसको रद्द करवाई जाए और फिर से एसआई परीक्षा करवाई जाए। इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तकरीबन 11:30 बजे तमाम छात्र और छात्र नेता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित होंगे। मामले को लेकर पुलिस भी एक्टिव हो गई है, वहां सुरक्षा जाब्ता तैनात किया जा रहा है, प्रयास ये जा रहे हैं 11:30 बजे से पहले पहले पुलिस का भी माकूल जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया जाएगा। दिनेश, एक तरफ छात्र है, एक तरफ विपक्ष भी दबाव दे रहा है और इस मुद्दे को बार बार उठाता आया है, सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी करने को लेकर कहा गया है? क्या छात्रों की बात सुन रही है सरकार? क्या इसको रद्द करने के बारे में सोच रही, विचार कर रही है? क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? देखिए, मामला सरकार के अधीन है क्योंकि कई जो डमी अभ्यर्थी बैठा कर या पेपर लेकर जो एसआई लगे थे वो गिरफ्तार हो चुके और संभवतः अभी और भी फर्जी एसआईओं की गिरफ्तारियां होने बाकी है। तो इस मामले को लेकर तमाम या कहीं पक्ष विपक्ष सक्रिय है और संभवतः ये परीक्षा रद्द होगी। अब इसको लेकर छात्र भी सक्रिय हो गए और वो रद्द करवाने की मांग को लेकर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आशंका बनी हुई है कि भर्ती परीक्षा को रद्द तो कर दिया जाए, जिन लोगों ने फर्जी तरीके से एग्जाम दिया था या डमी बैठा कर वो ऐसा ही बने थे वो तो उनको तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं वो लोग जिन्होंने तैयारी की थी, जिन्होंने मेहनत की थी और वो अपनी मेहनत से सफल हुए थे वो लोग इसके चपेटे में नहीं आ जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। इसीलिए शायद ये मामला डिले हो रहा है, संभवतः सरकार के स्तर पर इसको रद्द किया जाएगा। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।